आप सभी का आज के इस 22वें स्थापना दिवस झारखंड विधानसभा का इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज स्थापना दिवस है, खुशी का दिन है और बहुत संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करता हूं। क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, मंच में माइक आने के बाद कितनी लंबी भाषण हो जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन आज उत्साह का दिन है और उत्साहवर्धक वक्त को हम लोग अपनाएं और ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है और हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। जब एकीकृत बिहार में जब थे तो अनेकों विधायक, अनेकों मंत्री और बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में ना जाने कहां कहां कौन कौन विधायक मंत्री गुम हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। उसमें से ये झारखंड प्रदेश जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुलता है, ये शायद एकीकृत बिहार के राजधानी से अत्यंत दूर होने के वजह से इस क्षेत्र में कई ऐसे समस्याएं उत्पन्न होने लगी, कई ऐसी कहा जाए कि अनचाहे वातावरण बनने लगे जहां पर यहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के ऊपर एक लंबा समय तक एक शोषण का सिलसिला बना और बहुत लंबे काल तक ये चला। वैसे ये झारखंड वीरों का भी धरती है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलंगा, खड़िया, नीलांबर, पीताम्बर, अनेकों ऐसे वीर शहीदों ने इस राज्य के और इस राज में हो रहे शोषण के विरुद्ध में अंग्रेजों से भी लोहा लिया और अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस समस्या की निजात के लिए अपनी लड़ाइयां जारी रखी। अंतोगत्वा एक लंबा संघर्ष के बाद आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में हमें यह राज भी मिला। और कहते हैं कि एक चीज कहीं जन्म लेता है तो साथ साथ में कई चीजें जन्म लेती हैं। राज बना, फिर विधानसभा भी बना, विधानसभा बनने के बाद राज में पक्ष और विपक्ष की भी दो समूह बने और इस तरीके से इस राज्य में एक विधायकीय व्यवस्था स्थापित हुई, एक अलग कार्यपालिका हमें मिला और विधायिका और कार्यपालिका मिलकर इस राज्य को दिशा देने का 2000 ईस्वी से सिलसिला प्रारंभ हुआ। कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे, इस विषय पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यह मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश का सर्वोच्च पंचायत के रूप में ये हम लोगों का विधानसभा है।
यहां सभी मान्य एक बराबर सबकी भूमिका है, एक बराबर सबकी मान्यता है। सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका है, विपक्ष की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है। और निश्चित रूप से और दोनों मिलकर इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति अपनी जो संवेदनाएं होनी चाहिए और जो उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए, इस विषय पर हमें हमने जो 20 वर्षों में किया, मुझे लगता है कि अभी और भी ये कार्य करने की आवश्यकता है और भी हमें बेहतर तरीके से इन वर्गों के बीच में व्याप्त समस्या और उनको विकास के पथ पे लाने की आवश्यकता है। आज इस विधानसभा के सहयोग से, माननीय विधायकों के सहयोग से कई ऐसे कार्य योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, जिसके माध्यम से इस राज्य के जो सबसे अधिक लगभग 80% लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं, जो आज के दिन में भी कई चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं, उन चुनौतियों को से वो बाहर आ पाए, ये योजनाएं उन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सिर्फ कार्यपालिका की नहीं बल्कि विधायिका का भी है। तो हम चाहेंगे जिस संविधान जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें सौंपा है, इस देश के हर वर्ग, हर जात धर्म के लोग, अलग बोलचाल के लोग के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में इस संविधान को कहा जा सकता है, हमारे लिए छोड़ रखा है, उसे हम और कितना मजबूत करें, क्योंकि ये चीजें हमें जो राज मिला, अलग विधानसभा हमारा हुआ, ये अब रुकने वाला नहीं, ये अनवरत चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर कार्यपालिका और विधायिका काम करेंगे। तो हमें ऐसी लकीर खींचनी चाहिए जैसे आज हम कई ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे सरदार पटेल जी हों, अनगिनत संविधान निर्माताओं ने हमें एक मार्गदर्शन दिया, निश्चित रूप से हमें भी उनके उस मार्गदर्शन, उनके जो दिखाए रास्ते हैं उनको ना भुलाते हुए और इनको कैसे मजबूत करें, इस पर हमें आगे बढ़नी चाहिए। आज यहां पर माननीय विनोद सिंह जी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में हम लोगों ने सम्मानित किया, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा विनोद सिंह जी को। साथ साथ में यहां पर कई बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया, कई शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।